अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मैं हूँ सलमान। एजी एजुकेशन में एक दफ़ा आप लोगों को फिर वेलकम करता हूँ। स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे इन्वेंटिव वैल्यूएशन का टॉपिक। पीरियोडिक हमने पढ़ लिया था, अब हम परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम को पढ़ेंगे कि परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम होता क्या है। इससे पिछले लेक्चर में मैंने आप लोगों को पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम समझाया था और उसका क्वेश्चन भी करके दिखाया था। अब परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम को करेंगे, जैसे कि मैंने बताया था, परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम ऐसे सिस्टम को कहते हैं जिसमें इन्वेंट्री को हम वैल्यूएट कर रहे होते हैं डेली बेसिस पे। यानी हम चाहे वो पीरियोडिकली नहीं करते बल्कि उसको डेली बेसिस पे कर होते हैं। यानी डेली बेसिस पे हम उसको सेल कर रहे हैं, डेली बेसिस पे परचेज कर रहे हैं, उसको अपडेट कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं उसको अपडेट कर रहे हैं, और जो एंडिंग इन्वेंट्री बच रही है उसको भी अपडेट कर रहे हैं। तो अब इसके अंदर हम लोग करेंगे ये के परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम के अंदर, जैसे ये तो मैंने क्वेश्चन करवाया था पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम का था। अब परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम के लिए मैं आप लोगों को क्वेश्चन कराता हूँ। मैं इसके अंदर जो है वो मेथड यही फॉलो होंगे, लीफो, फीफो और वेटेड एवरेज। वेटेड एवरेज की जगह मूविंग एवरेज आ जाएगा परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम में। जैसे कि अब आपके सामने क्वेश्चन है, इसमें हमने क्या करना है, ये हमारे पास क्वेश्चन गिवन है, ठीक है। जाहिर ट्रेडर्स प्रोवाइड यू द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फॉर जून। बिगिनिंग इन्वेंट्री हमारे पास परचेजेस है और इसके अलावा सेल्स दी हुई है, ठीक है। हमने करना ये है कि अच्छा, इसमें ज़रूरी नहीं कि सेल एंड में गिवन हो, ठीक है। हम डेट वाइज चल रहे हैं। फर्स्ट जून को हमने बिगिनिंग इन्वेंट्री है जो यूनिट्स पहले से रखे हुए थे, 5 जून को हमने फिर परचेज किए हैं 13 रुपये 10 पैसे के हिसाब से, 9 जून को फिर हमने 200 यूनिट परचेज किए हैं 12.540 के हिसाब से, इसी तरह फिर 25 जून को फिर परचेजिंग की है 600 की। लेकिन 9th के बाद फिर हम कहाँ पे आ जाएंगे, 12 पे आ जाएंगे। 12 को हमने सेल किए 600 यूनिट्स, फिर उसके बाद 25 जून को परचेज किए 600 यूनिट्स, फिर 27 को फिर सेल किए। तो इस सब रिकॉर्ड को हम क्या करेंगे, अपडेट करेंगे। किस तरीके से इसको हम अपडेट करेंगे, परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम के अंदर रहते हुए हम लीफो, फीफो और मूविंग एवरेज फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं हम लोग फीफो मेथड। फीफो मेथड जैसे कि मैंने बताया था कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड कहता है। यानी इसके अंदर इन्वेंट्री पहले आई हुई इन्वेंट्री पहले सेल आउट करते हैं। पीरियोडिक की तरह इसके अंदर भी वही टेक्निक यूज करेंगे, सिर्फ जो है वो उसके प्रोसीजर का फर्क है। तो जैसे मैं यहाँ आप लोगों को कराता हूँ सबसे पहले यहाँ पे, और इसके अंदर आपको एंडिंग यूनिट्स फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है, बल्कि एंडिंग यूनिट्स आपको शेड्यूल में ही पता चल जाएगी। जो हम लोग मालूम करेंगे उसके अंदर ही पता चल जाएगा। अब जैसे मैं इसके आपके सामने ये शेड्यूल बना रहा हूँ, इसका कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री या यूनिट्स बाय फीफो मेथड, इसके नीचे हम लिखेंगे अंडर परपेचुअल का मैंने बताया था कि ये कंटिन्यू इन्वेंट्री सिस्टम होता है, परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम, ठीक है। तो हम शेड्यूल कुछ इस तरह का बनाएंगे कि जैसे हमने इसका बनाया था, क्वांटिटी डेट, क्वांटिटी पर यूनिट, इस तरीके से डेट, क्वांटिटी पर यूनिट, टोटल कॉस्ट, ठीक है। और इसी तरह फिर उसके बाद फिर और कॉलम इसके अंदर ऐड हो जाएंगे, डेट, ओ सॉरी, क्वांटिटी पर यूनिट कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, क्वांटिटी पर यूनिट कॉस्ट और टोटल कॉस्ट। यहाँ इस हिसाब से हम इसके कॉलम लेंगे, यहाँ पे यह हमारी आ जाएगी डेट और पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स क्वांटिटी पर यूनिट कॉस्ट, पर यूनिट कॉस्ट इसको शॉर्ट में लिख दीजिए, पर यूनिट कॉस्ट, और इसके बाद फिर टोटल कॉस्ट। यही काम
दोबारा हम इधर भी करेंगे, ये चीजें इधर भी लिखेंगे। एक चीज और के एक चीज हम ये करेंगे कि यहाँ पे एक और कॉलम को ऐड कर लेते हैं, ठीक है। इसी तरह फिर क्वांटिटी पर यूनिट कॉस्ट और टोटल कॉस्ट, यही काम फिर दोबारा इधर आ जाएगा। ये हमने इस तरह से इस वजह से किया क्योंकि तीन जगह पे हम इसको रिकॉर्ड करेंगे। सबसे पहले तो हमारी आ जाएगी यहाँ पे परचेजेस, यहाँ इसको मर्ज करते हैं परचेजेस, जो भी हमने परचेज की है इन्वेंट्री उसका रिकॉर्ड आ जाएगा इधर। यहाँ पे सेल का आ जाएगा, सेल या इशू, ठीक है। यहाँ पे हमारे ओ परचेजेस और परचेजेस आपके जो है वो यहाँ तक आएंगे, ठीक है। सेल या इशू और ये बैलेंसेस, मर्ज सेल करते हैं पहले उसको, बैलेंसेस, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे आपके पास आ जाएगा, तो यहाँ हम क्या करेंगे, इन सबको रिकॉर्ड करेंगे। अब हमने करना है इसमें यह है कि जो भी हम परचेज करते जा रहे हैं वो इधर आता जाएगा, सेल कर रहे हैं वो इधर आ जाएगा, जो बैलेंस बच रहा है वो इधर आ जाएगा। यानी इसके अंदर एट अ टाइम, पीरियोडिक के अंदर तो हम लोग अलग से रिकॉर्ड कर रहे थे परचेजेस और सेल को, यहाँ पे परचेज और सेल और बैलेंसेस एक ही इसमें शेड्यूल में रिकॉर्ड करते जा रहे हैं हम लोग। तो अब इसको सबसे पहले ये देखें, इसमें हमने कौन सी डेट है इसको देखते हुए हम फॉलो करते हैं। हमारे पास बिगिनिंग यूनिट्स है 400 के, 14 के हिसाब से, ठीक है। फर्स्ट जून 400 यूनिट्स, प्रोटीन के साथ तो ये हो गए हमारे 5600। अच्छा, ये मैंने यहाँ पे क्यों लिखा है, मैंने इन कॉलम को क्यों ब्लैंक छोड़ दिया, क्योंकि देखिए ये जो हमने लिखा है इधर मैं लिखूंगा यहाँ पे सिर्फ बिगिनिंग इन्वेंट्री, ठीक है, और यहाँ पे मैं रिकॉर्ड कर दूंगा। लेकिन होता ही है कि जो भी मैं इन्वेंट्री बिगिनिंग पहले से रखी है वो इधर आ जाएगी, डायरेक्ट बैलेंस में चली जाएगी। ये हमारा बैलेंस कॉलम है क्योंकि ना हमने इसको सेल किया है ना हमने इसको परचेज किया, परचेज हमने पिछले पीरियड में किया था, इस पीरियड में ये पहले से मौजूद है, इन पहले से हमारे गोदाम में यूनिट्स रखे हुए हैं जिनकी कॉस्ट ये रही, टोटल कॉस्ट ये बनती है, ठीक है। तो बिगिनिंग इन्वेंट्री हमारे पास ये आ गई इतने रुपए की। इसके बाद जो परचेजेस करेंगे वो हम इस तरफ रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इसके बाद फिर जून, याद रहे हम लोग जो है वो इसके अंदर इस वक्त फीफो सिस्टम फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। तो अब फीफो के हिसाब से ही हम वही टेक्निक यूज करते हुए कि
क्या करेंगे, सेल आउट करेंगे। जब सेल आएगी तो भी मैं आप लोगों को समझाऊंगा। तो यहाँ पे 5 तारीख को फिर हमने फिर परचेजिंग की है 500 यूनिट। इन इन दोनों को यूनिट्स को उठा लेंगे हम। ये हमने परचेजिंग की है 5 तारीख को, फिर उसके 9 तारीख को, तो इन दोनों का रिकॉर्ड स्टफ आ जाएगा। सॉरी, पांच तारीख का परचेजेस, पांच तारीख को कितने यूनिट हमने बाय किए हैं? यूनिट हमने बाय किए हैं 500, 13/10 पैसे के हिसाब से 500 यूनिट है। 13.10 के हिसाब से इसी तरह फिर हमने फिर परचेजिंग की है 9 तारीख को, वो भी हमने परचेजिंग की है। वो कितने यूनिट बाय किए हैं? वो हमने बाय किए हैं 200 यूनिट 12/40 पैसे के हिसाब से 12.40। इनकी कॉस्ट ले लेते हैं और इनको हम टोटल डायरेक्टली बैलेंस में ऐड कर देंगे। 500 मल्टीप्लाई बाय 13.10, ये हो गया 6550। इसी तरह दूसरे को भी रिकॉर्ड करेंगे। 200 मल्टीप्लाई बाय 12.4, 2480। और इन सब को हम यहाँ से स्किप करके हम डायरेक्ट इधर लिखेंगे। यहाँ हमने कुछ नहीं करना, डैश ब्लैंक छोड़ देना है, इसलिए हमने यहाँ पर डैश लिख दी। इसको सेम अमाउंट को मैंने इधर भी लिख दिया 500 13.10 के हिसाब से। तो ये कितना हो गया 6550। इसी तरह फिर दूसरा वाला भी इसी तरह आ जाएगा। बाद 12 को हमने 600 यूनिट सेल किए। अब ये इसमें देखिए टेक्निक हम किस तरह से यूज करेंगे। 12 को हमने 600 यूनिट सेल आउट किए हैं। सेल को हम कुछ इस तरह से यूज करते हैं कि परचेज को तो हम खाली छोड़ देंगे। यहाँ पे जो सेल है 600 यूनिट हमने सेल किए। अब हम यहाँ पे डायरेक्ट 600 नहीं लिखेंगे, ठीक है? यहाँ पे हम डायरेक्ट 600 नहीं लिखेंगे। हम कौन सी टेक्निक यूज कर रहे हैं? हमारे पास फीफो मेथड यूज कर रहे हैं। हमारे पास ये सारे यूनिट्स हैं 400 500 200। तो हम यहाँ से सेल आउट करना शुरू करेंगे, यानी 400 यूनिट हम ये वाले सेल कर देंगे उनमें से, और 200 यूनिट जो है वो दूसरे वाले सेल कर देंगे। 400 यूनिट जो है ये तो पूरे के पूरे हमने 14 रुपीज वाले जो हमने बाई किए थे वो सेल कर देंगे, और 200 यूनिट जो है वो 13.10 वाले। इनको नहीं लिखेंगे जो, क्योंकि ये तो हमने सेल आउट कर दी। इसको माइनस करके यहाँ पे लिखेंगे। देखें यहाँ पे इस तरह से देखें कि हमने 400 पूरे सेल कर दिए, 400 इसमें भी सेल कर दिए। तो हमारे पास यहाँ 400 में से कुछ नहीं बचा,
इसमें से 500 में से 200 इनिशियल कर दिए तो हमारे पास 300 जाएगा। ये कितने वाले? 13 रुपये 10 पैसे वाले, ये रहेगा 300 मल्टीप्लाई बाय 13.9, ये हो गया आपके 3930। और ये 200 वैसे के वैसे हम उतार लेंगे क्योंकि ये नहीं बिक सके। 12.40, ये हो गया 2480। ये हमारे रिमेनिंग बैलेंस कैसे हैं, याद रहे रिमेनिंग बैलेंस। ये जो सेल्स थे मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ, तो मैंने हाइलाइटेड कर दिया, पता चल रहा है कि ये हमारे रिमेनिंग बैलेंस बचते हैं। इसके बाद फिर हमने परचेजिंग की, एक सर हमारे पास अवेलेबल यूनिट्स ये वाले, याद रहे इस वक्त हमारे पास अवेलेबल यूनिट्स ये वाले हैं। अब हमने 12th के बाद फिर ट्वेंटी फाइव को फिर परचेजिंग किए 600 यूनिट्स 12.10 के हिसाब से। इसको हम एज इट इज यहाँ पे लिख लेंगे, ट्वेल्व पॉइंट वन जीरो के हिसाब से हमने बाई की है 600। अब इनकी कॉस्ट यहाँ पे आ जाएगी 600 मल्टीप्लाई बाय 12.10, 7260, 7260। इसको एज इट इज मैं यहाँ पे लिख लूंगा 600 12.10 और 7260। अब यहाँ पे हमने क्या करना है कि 25 के बाद फिर 27 को फिर हमने सेल किए हैं 500 यूनिट। देखें मैं यहाँ पे फिर रिकॉर्ड करूंगा, पांच ये मैंने सेल किए हैं और 27 को 500 यूनिट और। तो अब मैं 500 को डायरेक्ट यहाँ पे 500 नहीं लिख दूंगा, इनको तो मैंने वैकेंट वैसे भी छोड़ना है, यहाँ पे मैं 500 डायरेक्ट नहीं लिखूंगा इस तरफ, बल्कि मैं पहले क्या करूंगा इसमें से फर्स्ट इन फर्स्ट आउट हमें सेल करना है। इन सेल टेक्निक में ये यूज कर रहा हूँ कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, पहले आई हुई इन्वेंट्री को पहले सेल आउट कर रहा हूँ। तो 300 मैंने ये वाले सेल आउट कर दिए कितने रुपए के हिसाब से, 13.10 के हिसाब से हमने बाय किए थे। यानी हम ये देख रहे हैं कि हमें सेल, हम लोग वो प्राइस क्यों नहीं ले रहे जो कि क्वेश्चन के अंदर सेलिंग प्राइस दी हुई है, क्योंकि हम सेल प्राइस से वही वाली ले रहे हैं जो हमें कॉस्ट प्राइस पड़ी है। क्योंकि यहाँ पे हम सिर्फ ये फाइंड आउट करना चाह रहे हैं कि हमने जो यूनिट सेल किए हैं वो हमें कितने के पड़े थे, उनकी कॉस्ट कितने की पड़ी थी यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, और जो रिमेनिंग बच रहे हैं वो कितने रुपए के बच रहे हैं जो हमें पड़ रहे हैं, हम अपनी कैलकुलेशन के हिसाब से कर रहे हैं। तो अब ये पूरे पूरे हमने सेल कर दिए 3930 के हमें पड़े थे, 200 यूनिट हमने ये वाले सेल आउट कर दिए पूरे पूरे 200 12.40।
फोर जीरो के हिसाब से जो हमने बाय किए थे, जिनकी कॉस्ट क्या थी 2480। और अब हमारे पास रिमेनिंग क्या बच गया, इनको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। अब हमारे पास क्या रहेगा, ठीक है, ये तो हमने सेल आउट कर दिए। अब हमारे पास जो रहेगा वो रिमेनिंग, ये तो सेल हो गए, सिर्फ 600 यूनिट्स रह गए जो हमने लास्ट टाइम बाय किए थे, 600, जिनकी कॉस्ट थी 12.10 और टोटल कॉस्ट थी इनकी 7260। देखिए ये हमारे पास रिमेनिंग रहेगा, ठीक है। अब हमने करना ये है कि इनको हमने टोटल कर लेना है। ये हमारे पास रिमेनिंग बैलेंस रह गया, ऊपर के सेल आउट हो गए, ये हमारे पास रिमेनिंग बैलेंस रह गए हैं। अब आपने क्या करना है, इन सबको टोटल काउंट कर देना है कि कितने हमने परचेज किए थे, ये इन सबको ना, इसी तरह उनकी टोटल कॉस्ट को, सेल कितने किए थे उनकी टोटल कॉस्ट को, और ये जो है बैलेंसेस को हम शुरू को काउंट नहीं करेंगे क्योंकि वो शुरू के तो हमारे सेल आउट हो चुके हैं, जो बचे और रिमेनिंग वही 600 ही बचे हैं। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 600 और ये हमारे पास बचे, इनकी कॉस्ट है 7260। बाकी जो है इनको हम शुरू से टोटल काउंट करेंगे कि टोटल हमने परचेज कितने किए थे। तो 5 और 2 7 7 और 6 कितना हुआ है, 7 और 6 1300 यूनिट्स, यहाँ पे हम लिख देंगे 1300। इनकी टोटल कॉस्ट कितनी है, इनको यहाँ से हम शुरू से काउंट कर लेते हैं, 6550 +2480 +7260, तो ये होगा आपके 16290। इसी तरह यहाँ पे इनको हमको टोटल काउंट करेंगे, हमें 4 और 6 पहले सेल किए, 5 बाद में सेल किए, तो कितने 1100 सेल कर दिए हमने। कितने किए थे, 1300 हमने बाई किए और 400 हमारे पास पहले से रखे हुए थे, यानी 1700 यूनिट्स थे हमारे पास, जिसमें से 1100 हमने सेल आउट कर दिए, तो हमारे पास 600 यूनिट्स रह गए। इनकी टोटल कॉस्ट कितनी है, इन सबको हम प्लस कर देंगे, 5600 +2620 +3930 और +2480, ये हो गया 14630। ये आ गए हमारे यूनिट्स और उनकी कॉस्ट, 1300 हमने परचेज किए 16290 के, और ये 1100 हमने सेल आउट किए जो कि हमें 14630 के पड़े थे, यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये टोटल परचेज हो गई कॉस्ट ऑफ परचेजेस, ये टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और ये टोटल कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंटरी बाय फीफो मेथड। तो ये हमने आज फीफो मेथड किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको जब मैं नेक्स्ट लेक्चर में दूंगा तो मैं उसमें आप लोगों को नेक्स्ट लीफो मेथड और मूविंग एवरेज मेथड कराऊंगा, ठीक है। तो ये हमारे हो गए टोटल बैलेंसेस, तो ये था मेरा आज का लेक्चर, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग लीफो मेथड और दूसरा लीफो मेथड और मूविंग एवरेज मेथड हम फाइंड आउट करेंगे, ठीक है।
नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। उम्मीद है मुझे कि आप लोगों को मेरा चैनल पसंद आया होगा, तो मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।